गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग एग्जाम्पल नंबर 5. एग्जाम्पल इज मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट. मतलब कि मोहन अपने बैंक अकाउंट में ₹2000 जमा करता है, ऐड करवाता है एंड देन विड्रॉज ₹1642 फ्रॉम द नेक्स्ट डे. दूसरे दिन ₹1642 उसमें से वापस निकाल देता है. विड्रॉल मतलब वापस ले लेना. इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, अगर विड्रॉल अमाउंट को नेगेटिव इंटीजर से डिनोटेड किया जाता है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट द. तो डिपॉजिट किए वाले अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ आपको पता चला कि अगर विड्रॉल को नेगेटिव इंटीजर लेंगे तो डिपॉजिट के लिए हमको उसकी अपोजिट साइन मतलब पॉजिटिव इंटीजर लेना पड़ेगा. एंड देन फाइंड द बैलेंस इन द मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, और पैसे विड्रॉल करने के बाद उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा, वी वॉन्ट टू फाइंड इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सी हियर, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट. तो हम लिख सकते हैं द अमाउंट डिपॉजिट विल रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर. तो यहां हमको दिया हुआ है इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव, देन द अमाउंट डिपॉजिट विल रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर. तो डिपॉजिट अमाउंट को हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. देन सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, विड्रॉल के बाद में मोहन के अकाउंट में कितने पैसे हो गए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास कितने थे, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000, मोहन डिपॉजिट्स देन ₹1642, मोहन विड्रॉ. तो पहले ₹2000 यहाँ क्या थे, मोहन डिपॉजिट्स एंड ₹1642 मोहन विड्रॉस. देन 10 यहाँ 9 होगा, 9 and 1, सो 10 - 2 = 8, 9 - 4 = 5 एंड 9 - 6 = 3, ₹358 बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल बैलेंस. तो हम लिख सकते हैं therefore after withdrawal ₹358 is in Mohan's account. तो क्या लिख सकते हैं, आफ्टर विड्रॉल ₹358 इज इन मोहन्स अकाउंट. नाउ वी आर गोइंग इन क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग है और आंसर्स स्मॉल है, बट आपको कंपलसरी क्वेश्चन लिखने हैं अपनी नोटबुक में एंड देन आपको आंसर लिखना है, क्योंकि यहाँ देखो मैंने भी क्वेश्चन लिखे ही हुए हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी. मीन्स रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी. मतलब पॉइंट ए से बी की तरफ रीता कितने किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर. यहाँ लिखेंगे 20 किलोमीटर. Then we have from B she moves 30 किलोमीटर toward west. तो B से पहले यहाँ A to B 20 किलोमीटर आने के बाद B से वह आगे की तरफ वापिस west में 30 किलोमीटर. इन दिस 20 एंड दिस 10 टोटल 30 किलोमीटर वह मूव करती है. यहाँ लिखा हुआ है from B she moves 30 किलोमीटर towards west along the same road. वही रास्ते से वापिस 30 किलोमीटर जाती है.
इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव, अगर ईस्ट को पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट, तो वेस्ट वाले को अगर ये पॉजिटिव है तो वेस्ट वाले को कौन सा लेना पड़ेगा, नेगेटिव इंटीजर। एंड सेकंड क्वेश्चन इज बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए, तो दो क्वेश्चन के आंसर लिखना है, तो पहले फर्स्ट नंबर का आंसर लिखे हम, तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जो हमारा क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव की जगह यहां नेगेटिव आ जाएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन, तो हम लिख सकते हैं हर फाइनल पोजिशन इज इक्वल टू हर फाइनल पोजिशन इज इक्वल टू, तो फाइनल पोजिशन के लिए क्या करेंगे, उसकी स्टार्टिंग पोजिशन क्या थी, जीरो से यहां तक 20, तो हम ले सकते 20, यहां से गया 20 और वापिस आए 30, मीन्स लेफ्ट साइड कितने बचे उसके लिए हम ले सकते 20 प्लस 20 एंड 30, यहां पे माइनस हुए तो प्लस 20 माइनस 30, सो 20 माइनस 30 सब्सट्रैक्ट होगा 30 माइनस 20 10, बट बिगर नंबर साइन इज माइनस, सो वी गेट हियर माइनस 10, सो हर फाइनल पोजीशन विल बी माइनस 10, तो हियर दिस एग्जांपल इज फिनिश। तो एग्जांपल नंबर 6 मैंने आपको ये समझाया, नाउ वी आर गोइंग इन एग्जांपल नंबर 7, नाउ इन दिस एग्जांपल इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, तो ईच रो, रो मीन्स ऐसे जो आड़ी लाइन होगी, ईच रो ईच कॉलम, कॉलम मतलब ऐसे स्ट्रेट वर्टिकल, एंड द डायगोनल, डायगोनल मतलब ये क्रॉस जो होता है इट इज डायगोनल, उसका सम सेम है, सो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज अ मैजिक स्क्वायर, तो यहाँ हमको टू मैजिक स्क्वायर दिए है, उसमें हमको पूछा गया कौन सा मैजिक स्क्वायर है, सो मैं फर्स्ट वाला आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेकंड वाला आपको ट्राई करना है आपको होमवर्क में, तो फर्स्ट वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो पहले फॉर रो ले ले, तो फॉर रो, तो रो के लिए फर्स्ट क्या होगा, 5 माइनस 1 माइनस 4, देन सेकंड माइनस 5 माइनस 2 7 प्लस 7, देन थर्ड नंबर 0 प्लस 3 माइनस 3, 0 प्लस 3 माइनस 3, सो देखो फॉर रो 5 माइनस 1 4, ये दोनों का सिंप्लीफिकेशन करेंगे पहले, तो 5 माइनस 1 4 माइनस 4, ये दोनों का मैंने पहले लिख दिया 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 0, एज इट इज सेकंड माइनस 5 माइनस 2, माइनस 5 माइनस 2, इफ बोथ इंटीजर आर नेगेटिव देन वी टेक एडिशन, तो माइनस 5 माइनस 2 7 एंड बिगर नंबर साइन इज माइनस, सो वी गेट हियर माइनस 7 एंड प्लस 7, माइनस 7 प्लस 7, माइनस प्लस सब्सट्रैक्ट, 7 माइनस 7 0 एंड बिगर नंबर साइन 0, पर 0 में कभी साइन नहीं होती है, 0 इज ऑलवेज 0, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, 0 0 ही होता है, देन 0 प्लस 3 3, 3 माइनस 3 0, अगेन हियर वी हैव 0, तो ये रो की बात हो गई, तो रो में तीनों में आंसर 0 आ गए, नाउ फॉर कॉलम ले ले, फॉर कॉलम, तो कॉलम में ऐसे सीधे जाएंगे, फर्स्ट नंबर 5 माइनस 5 प्लस 0, 5 माइनस 5 प्लस 0, देन सेकंड माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3, माइनस 4 प्लस 7 माइनस 3, माइनस 4 प्लस 7 माइनस 3, नाउ वी चेक इट, 5 माइनस 5 0,
5 minus 5, 0, plus 0, 0 plus 0, 0. Then in a second question, minus 1 minus 2 plus 3, so minus 1 minus 2, if both integer are negative, then we take addition and always sign is negative. Dono agar minus hoge, to addition subtraction mein sign negative hogi. So here we get minus 3 and here plus 3. Minus 3 plus 3, same integer and opposite, then our answer is 0. 3 minus 3, 0 ho gaya. Then in a third, minus 4 plus 7, minus plus subtract hoga, 7 minus 4, 3. And which is bigger number? So 7 is bigger number than 4. So 7 sign is plus, so we take here the 3. So 3 minus 3, we get again 0. So humko for row mein, for column mein, sab answer 0 mile. Now we are going for diagonal. For diagonal. तो डायगोनल की बात करते हैं, जैसे क्रॉस लाइन, तो 5 माइनस 2 माइनस 3, फर्स्ट वन इज 5 माइनस 2 माइनस 3 एंड सेकंड वन इज माइनस 4 माइनस 2 प्लस 0, माइनस 4 माइनस 2 प्लस 0. सो सी हियर, माइनस 5 माइनस 2 3 एंड माइनस 3, सो 3 माइनस 3 0. देन सेकंड नंबर माइनस 4 माइनस 2, बोथ इंटीजर आर नेगेटिव, देन वी टेक take addition, minus 4 minus 2, 6, but bigger number sign, 4 sign is minus, so minus 6 plus 0, here we get minus 6. So yeah, dekh sakte hum, for row our answer is 0, for column our answer is 0, for diagonal ek answer 0 hai, another answer is minus 6. Means magic square ka rule chahe, each and every answer equal hone chahe, to hamari 3 plus 3, 6 plus 1, 7 answer are similar, but last answer, 8th answer is not similar, then we can say that it is not a magic square. Agar ek bhi answer different hai, then we can say that therefore it is not a magic square. Okay, then question number 8 jo hai, 7th mein bhi dusra jo square hai, jo aapko khud homework mein compulsory karna hai. ओके, तो आज मैं यहाँ तक चला रहा हूँ, बाकी का हम टुमारो देखेंगे. थैंक यू.